हेलो लवली पीपल, आप देख सकते हैं अभी हो रहे हैं 12:10 नाइट के एंड हमारे डैडी अभी तक नहीं आए। हमारे डैडी कहाँ गए? पता नहीं हमारे डैडी कहाँ एक्चुअली हमारी अभी लकी से बात हुई है और वो बताया था आपको कि रमजान में इफ्तार के बाद बाहर निकलते हैं और उसके बाद अपने सारे काम करके फ्री होते हैं। तो ऑब्वियसली उसको पता है सारी रात जगना है, 3:30 वो सहरी करेंगे। तो बंदा अपने काम खत्म कर रहा है। आइस क्यूब, ठंडी ठंडी। हाँ देख सकते हो, ठंड थोड़ी कड़क हो गई। मम्मी को लगा के देखो तो हम दोनों बैठे हैं मिलिट्री टी शर्ट्स पहनकर, है ना बेबी? पो 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 मेरा पो 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 तो हम दोनों बैठे हैं बस चिल कर रहे हैं। आज नींद नहीं आ रही है बिकॉज मैंने काफी सारे शूट्स किए, एक व्लॉग भी शूट किया जो मोस्ट रिक्वेस्टेड था। अभी हम दोनों बैठे हैं चिल कर रहे हैं, डैडी का वेट कर रहे हैं क्योंकि आज नींद नहीं आ रही है। आज काफी सारे मैंने शूट्स कंप्लीट किए हैं। ये काफी अच्छे मैंने ऑर्नामेंट्स जो बैग्स आती है ना वो मंगवाई थी ऑनलाइन। ये छोटी सी दिख रही है लेकिन ओपन करने के बाद बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। सारी बैग्स काफी ज्यादा अच्छी हैं, क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है एक्चुअली, और सबसे अच्छी बात कि रीजनेबल है। तो ये सारे ही मैंने शूट्स कर लिए हैं कंप्लीट और इसके रिव्यू मैं शेयर कर लूंगी जहां तक एक एक आध दिन में मे बी कि ब्लॉग पहले आ जाए। देखो अभी डैडी कब तक आते हैं। बाकी तो हमारा अभी तक डिनर नहीं हुआ है बिकॉज हमने आज काफी अच्छा इफ्तारी खाया और बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाई, है ना बेबी? और डैडी खुद गए थे आज सारा कुछ लेने तो बहुत मजा आया। अभी तो हम दोनों बैठे हैं, आप देख सकते हो मैंने अभी भी जो ये सारे कपड़े यहाँ से उठाए नहीं है बिकॉज मैं अपनी कुछ एडिटिंग कर रही थी। मैं वेट कर रही थी कि मे बी लकी आ जाए लेकिन वो अभी तक नहीं आए। तो जैसे ही वो आ जाते हैं, और मैं आपको जो आज ये मेकअप में दिख रही हूँ ना, लिपस्टिक वगैरह, बाकी तो मैंने कुछ ज्यादा अप्लाई नहीं किया लेकिन मैंने शूट्स किए थे तब अप्लाई किया था क्योंकि दिन के टाइम पे तो ये समझ लो कि कुछ होता ही नहीं, रमजान चल रहे हैं ना। एंड सेकेंड चीज की लकी से भी बात हुई और उन्होंने बताया कि इतनी रौनक है मार्केट में, बाय गॉड मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा है अब घर पे। तो ही सेड कि लग ही नहीं रहा है कि अभी 12:10 हो गया। कह रहे आपने टाइम बताया, मुझे तो समझ भी नहीं आया कि इतना टाइम हो गया है। लग जाएगा ना, स्टंट करते रहता है यार, बहुत मस्ती करता है ये। और ही सेड कि इतनी अच्छी रौनक है मार्केट में और उनको टाइम ही नहीं पता चल रहा। तो बड़ा मेरा मतलब मूड वो हो गया कि हम घर बैठे हैं तुम बाहर घूम रहे हो। सो ही सेड कि मैं कल आप लोगों को, ऐसे नहीं करो ना, ऐसे नहीं करो। सो ही सेड कि मैं कल आप लोगों को लेके जाऊंगा बाहर, और ही सेड लेके जाऊंगा, वो कहते हैं मैं लेके जाऊंगा बट वो दिन आज तक आया नहीं है। और मैं सीरियसली बोलूँ ना तो लकी से मैंने आज तक कभी इस बात पे कोई फाइट नहीं की, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया कि तुम लेकर नहीं गए बिकॉज मुझे पता है वो कभी मुझे लेके नहीं जा सकते, मतलब वो कभी मार्केट घूम नहीं सकते। अभी भी वो मार्केट नहीं घूम रहे हैं, जहाँ गए होंगे वहाँ मार्केट से होते हुए गए होंगे तो उन्होंने सदर बाजार और बाकी सारे मार्केट देखे होंगे कि बड़ी रौनक है, लोग घूम रहे हैं। और एक है भी फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो ऑब्वियसली मार्केट तो भरे ही रहेंगे, और वैसे भी अभी 16th रोजे कंप्लीट हो चुके हैं तो अभी तो रौनक पूरी पूरी आ चुकी है मार्केट में। तो मुझे पता है शॉपिंग का क्रेज नहीं आता कि मुझे शॉपिंग करना है शॉपिंग करना है। मैंने अभी तक ईद के लिए कुछ प्रॉपर सोचा नहीं है कि मैं क्या करने वाली हूँ, और मुझे लगता है कि एक दिन पहले तक मेरा कुछ डिसाइड नहीं है कि मैं क्या करूंगी बिकॉज ना मेरा ऑनलाइन रिव्यू दे दे के ना पूरी मैं रज गई हूँ। मतलब मुझे कभी अभी दिल नहीं करता क्या होना चाहिए क्या नहीं, ऐसा लगता है हाँ जो पहन लूंगी बस वही परफेक्ट रहेगा मेरे लिए। लेकिन ना मुझे मार्केट देख के बड़ी खुशी होती है, वो रौनक, वो नई नई चीजें, नए नए स्टाइल। तो दिस टाइम रमजान में घरारा शरारा मैं मार्केट में देख रही हूँ। नॉर्मली अगर मैं कहीं से जा रही हूँ ना तो मैंने देखे हैं बुटीक्स के बाहर इतने क्यूट वाले लगे हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिल नहीं करता कि मैं ले लूँ पहन लूँ, लेकिन मुझे ना देखना बहुत अच्छा लगता है। तो सभी लोगों की ईद की शॉपिंग आई थिंक स्टार्ट हो गई होगी, किसी की तो पूरी कंप्लीट हो गई होगी बट मेरा अभी तक कुछ नहीं हुआ है सीरियसली। लेकिन जो भी होगा एकदम यूनिक होगा और बहुत अच्छा होगा, आई एम डैम श्योर इंशाल्लाह। तो अल्तमश की शॉपिंग मैं जल्दी कंप्लीट करवा दूंगी बिकॉज अल्तमश ना बहुत इरिटेट करता है, इसकी शॉपिंग जल्दी नहीं पूरी होती। कल जब ईद आएंगी ना मम्मा उधर का हो जा रहे और मम्मा जब जाएंगे तो याला लेके जाएंगे और बल्ले बल्ले और बल्ले बल्ले पुर नहीं वो बल्ले बल्ले और बल्ले बल्ले
बोले बोले अब जा आपको बताने बता ठीक है मैं बताती हूँ। तो मुझे बड़ी मार्केट अभी घूमने का दिल कर रहा है कि मैं जाऊं, लेकिन अभी तो पता नहीं लगी लेके जाएंगे कि नहीं, क्योंकि अभी उनको वैसे ही 1:30 बज जाएगा जाके आने के लिए, और उसके बाद फिर सहरी का वक्त हो जाएगा, उसके बाद मैं करूंगी रेस्ट बिकॉज कल मुझे काफी सारे काम है। और आंटी को काफी मुझे कमेंट आ रहे हैं आंटी दिखाओ आंटी दिखाओ, तो दिन के वक्त शूट नहीं किया इस वजह से आंटी नहीं दिखे, अदरवाइज आंटी तो अभी 2 दिन से काफी लेट जा रहे हैं। आंटी कुछ 7 o'clock जा रहे हैं इफ्तार के पूरा रेडी करवा के, बिकॉज मेरे भी रोजे थे तो होता नहीं है यार, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, काम बहुत ज्यादा है और फिर घर के छोटे मोटे तो स्टार्ट ही है सारा कुछ करना, सो दैट्स व्हाई। बाकी आप लोग बड़े नाराज हो जाते हो व्लॉग नहीं आता है तो, सो मैं व्लॉग तो शेयर करूंगी लेकिन मैं क्या करूँ, मैं क्या शेयर करूँ आपके साथ, है ना बेबी। और गेस्ट होते हैं ना तो पॉसिबिलिटी कम हो जाती, क्योंकि हमारे जवाई भी आ गए थे तो थोड़ा सा उनके अंदर थी, फिर बच्चे थे, ये था, फिर उनकी शॉपिंग, उनकी तैयारियाँ, उनकी पैकिंग, तो वो सब में वक्त चला गया। लेकिन अब हम लोग सारा कुछ शेयर करेंगे बिकॉज लकी ने हमारी मांगे पूरी कर दी हैं। आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स जो आए हैं लकी ने सबको एक्सेप्ट कर लिया है, और ही सेड कि मैं कैमरा के सामने ही पैसे दूंगा, सो आई सेड ओके नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने एग्री कर लिया कि ठीक है, बिकॉज वो एग्री करते थे लेकिन वो ऐसा हो गया कि कैमरे के सामने बात आ गई तो मुझे ऐसा था कि कॉमेंट्स आ गए नहीं या कोई कॉमेंट नहीं आए तो ऐसा ना हो कि लकी देना, लेकिन नहीं, लकी ने सबके कमेंट्स को मतलब बहुत, और सबने तारीफ की ना लकी की, बंदा एग्री हो गया। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच गाइस। मतलब ये समझो कि मेरा बहुत फायदा हुआ, आप सबने जो कमेंट किए ना मेरा बहुत फायदा हुआ है, तो आप मुझे जो बोलो वो बोलो, मुझसे क्या चाहिए। और ये बहुत ही गंदा बच्चा है, बहुत ज्यादा गंदा बच्चा है। अभी जो मैंने लास्ट आपके साथ वीडियो शूट किया ना, जिसके अंदर मैंने आपको सारा बजट बताया कि हमारा कितना खर्चा हुआ है, ये दुपट्टा चाहिए, नो बेबी, तो उसमें पता है ये बाहर से रोक कर आया हुआ था, इनका फाइटिंग हो गया था सब बच्चों का आपस में और ये गिर गया, और अल्तमश रोकर आए थे और रोकर वो आंसू निकल रहे थे उनके, तो मैंने वो उसको चुप करवा के बिठाया हुआ था। ये सब बताना जरूरी है? हाँ ये जरूरी है, क्योंकि आप रोकर आए थे। ये छोड़ दो, ये टूट जाएगा बेटा, गोल्ड का है, छोड़ दो। ये ऐसे नहीं रो रहा था, ये ये अलग रो रहा था, और मैंने इसे गोद में ले लिया, और जैसे ही अल्तमश ने कैमरा देखा ना तो अल्तमश चुपचाप कैमरे को देखते रह गए, सो इसलिए इतना गंदा दिख रहा था अल्तमश, इसलिए इतना गंदा दिख रहा था, इसलिए प्लीज गंदे वाले कमेंट मत करना अल्तमश के लिए, अच्छे वाले कमेंट। वैसे तो सारे अल्तमश को बड़ा प्यार करते हैं, ये तो सुपरस्टार बन गया एक गंदा बच्चा। आपसे बात करते करते 12:30 हो गए हैं, तो चलिए मैं बात करती हूँ कि कहाँ है, और देखती हूँ उसके बाद शेयर करती हूँ, बिकॉज अब तो भूख भी लग रही है। सो अभी तो मेरा एडिटिंग वगैरह हो चुका है, मैंने 3 videos की एडिटिंग कंप्लीट की है, ब्लॉग पकड़ के 4 videos। गाइस आप प्लीज मेरा वन स्टंट देख लो, वन स्टंट, ओके वेट, अल्तमश का स्टंट देख, 1 2 3 वैसे अल्तमश का जो ये जीन्स पर आप देख रहे हैं ना, ये जो डिजाइन है ना, ये फैशन जो था ये बिल्कुल छोटा सा था, और अल्तमश ने मिलकर ना उसको काफी बड़ा कर दिया, कहता है ये छोटा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो उन्होंने उसको ज्यादा फाड़ के, सलमान खान की स्टाइल है, अपनी सारी अच्छी अच्छी जीन्सों को फाड़ के सलमान खान स्टाइल बना रहा है ये आजकल। एक्चुअली अल्तमश स्टंट्स ट्राई कर रहे हैं आजकल, अभी तो देखो कुछ दिनों में काफी अच्छा सीख जाएंगे, वैसे बताना। एक्सप्रेशन इतने गंदे देता है ना अल्तमश, वो व्हाट्सएप बच्ची लोग बोलो ऐसे ऐसे नोज पे करके। तो अल्तमश की ये स्टाइल है, अल्तमश की हरकतें हैं, और अभी एक्चुअली अल्तमश इतने देर तक इसलिए भी जग रहे हैं बिकॉज अभी समर वैकेशन है और रमजान फेस्टिवल वाला जो टाइमिंग है तो बड़ी रौनक सी होती है, तो चल रहा है बिकॉज बच्चों को भी थोड़ा सा फील होना चाहिए मॉर्निंग में देर तक सोने के मजे जो होते हैं, वो तो हम लोग इतना इंजॉय करते हैं, तो बच्चों के तो ऑब्वियसली अभी दिन चल रहे हैं,
अदरवाइज अब तक तो अल्तमश की आधी नींद हो चुकी होती थी, सो अल्तमश भी काफी लेट नाइट तक इंजॉय करते हैं। और कल जो मैं व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी मार्केटिंग का, तो उसमें भी आपको अल्तमश फुल एनर्जी के साथ दिखेंगे, बिकॉज वो देर तक जगते हैं, है ना। ये देखो मेरा गंदा बच्चा, देखो लगा है, अभी लगा है अभी लगा है, थोड़ा सा लगा है। तो और तो कुछ नहीं, बस रमजान के जो चलता है रूटीन वही है। और डेली व्लॉग्स में होता यूं है कि मॉर्निंग में उठकर काम दिखाकर सारा कुछ मैं शेयर नहीं कर सकती, बिकॉज मैं घर के काम नहीं करती। मैं सीरियसली मोस्टली मतलब घर के काम नहीं करती, छोटे मोटे बस जो सफाइयाँ डेकोरेशन आइडियाज अपने, बस यही सब करती हूँ, बाकी सारा कुछ आंटी संभाल लेते हैं, बिकॉज आंटी को पूरे घर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। और जब मैं करती हूँ मेरे गार्डन में ही पानी देना, ये वो छोटी छोटी चीज़ें, तो मैं उस टाइम पे इतनी बिजी होती हूँ कि प्रॉपर कैमरा रखना, प्रॉपर शूट करना मेरे लिए डेली पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन मैं आपके लिए सब कुछ करती हूँ, तो मैं आपको एक बार अभी बाहर जाके दिखाती हूँ, बड़ा सुनसान है, कोई नहीं जग रहा। चलिए देखते हैं, क्योंकि मोस्टली मैं बाहर नहीं निकलती, और अभी तो फिलहाल ये समझ लो कि मैं कुछ एक हफ्ते से बाहर ही नहीं निकली। मैं आपको अभी निकल के दिखाती हूँ। ग्रीनरी काफी अच्छी है हमारी इधर, सारी गंदी हरकतें। तो इस तरीके से गार्डन, बेटा गार्डन की लाइट्स ऑन करो। मैंने सारी लाइट्स एक्चुअली ऑफ कर दी थी गार्डन की, कि लकी अगर आते हैं ना तो कभी ऑफ नहीं करते, तो मुझे था कि फिर सारा कुछ रह जाएगा। आप देख सकते हो ऐसे ही पूरी लाइट्स है, इधर भी है पर ये झाड़ है तो ये सारी छुप जाती हैं। यहाँ पर भी लाइट्स है वॉल पर, तो मैंने आपको बताया था ना लाइट हाउस, तो लाइट हाउस है हमारा। और पूरे ही हमारे घर में इस तरीके से लाइट्स लाइट्स दिखती हैं। अभी तो मेरा ऊपर जो ये बेलकॉनी है ना, वहाँ का लाइट ऑफ है, वरना वहाँ की भी 4 लाइट्स ऑन रहती है हमेशा। बस बेबी बस, बस करो, बाहर से भी दिखा देती हूँ। लकी देखेंगे व्लॉग में कि लोग रात में बाहर निकले थे, फिर डांट पड़ेगी। तो इस तरफ एक गाड़ी एक्स्ट्रा खड़ी है जो कि गिरीश ने ली हुई है, और उसके पीछे हमारी टाटा आर्या खड़ी है, और दूसरी गाड़ी लेकर लकी गए हैं। तो आप देख सकते हो हर कोई सो चुका है, कोई नहीं है। कल रात में ना लकी ने हमको एक हॉरर वीडियो दिखा दिया था, वो रियल वाले होते हैं ना, वो किसी के घर में कुछ जिन होते हैं, कुछ ऐसे कुछ होता है, चीज़ें होती हैं, हरकतें होती हैं, वो वाले वीडियोस हमको दिखा दिए थे। और उसके बाद तो इतना डरे हैं मैं और अल्तमश। तो अभी जैसे बाहर हैं, घर खुला है तो कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन अगर कभी लेट नाइट कह दो कि ये ला लो वो ला लो ना, तो बड़ा डर लग रहा है आजकल। तो अभी देख कर वही लग रहा है, चलो भाई अंदर, हम अकेले हैं, चलो बेबी। तो इस तरीके से सारी लाइट्स ऑन रहती है, पार्किंग में भी लाइट्स हमारी ऑन रहती है, तो बाहर काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुकून लग रहा है, और ना थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो और भी अच्छा लग रहा है। अंदर चलते हैं अभी। हाँ, और एक गंदू फिर से आके यहाँ बैठ गया है, दिन भर अल्तमश मस्ती करता है, बहुत मस्ती करता है। अच्छा, अभी तो 1 o'clock हो चुका है और अभी तक लकी नहीं आए, तो अभी अल्तमश और मैं प्लान कर रहे हैं कि हम अभी ऊपर जाते हैं और देखते हैं कुछ करते हैं, नहीं तो फिर जगना तो है ही, क्योंकि फिर 1.5 घंटे बाद उठना पड़ेगा, क्योंकि मैं डेली उठती हूँ, मैं जब रोज़ा रखूँ तब भी और मैं नहीं रखूँ तब भी, बिकॉज लकी के डेली रोज़े होते हैं, तो मुझे उनके लिए उठना ही पड़ता है। सो टाइम पास कर रही हूँ बस आज, क्योंकि मैंने अपनी मोस्टली जो एडिटिंग्स है वो तो कम्प्लीट कर ली हैं, कैट तो मैंने जो अपनी मोस्टली एडिटिंग है वो कम्प्लीट कर ली हैं, और अब कुछ भी शूट करने का दिल नहीं कर रहा। अदरवाइज शूट करने के लिए इतना कुछ है मेरे पास, पर पता नहीं, मतलब मैं सिंगापुर से आने के बाद ना लेजी लेजी हो गई हूँ, या पता नहीं रमजान स्टार्ट हो गए हैं तो काम शायद घर के बढ़ गए हैं, आई डोंट नो, लेकिन लेजी लेजी लगता है, मेरा दिल नहीं करता, या मुझे ऐसा लग रहा है किसी की नज़र लग गई है। कल नज़र वज़र उतारती हूँ मैं। वैसे देखो मैं आपको गुड न्यूज़ देना भूल गई कि मान्या व्लॉग्स ने भी अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कम्प्लीट नहीं कर लिए, बल्कि ज़्यादा कर लिए हैं। और वॉच टाइम तो आज से कुछ 10 दिन पहले ही मेरा कंप्लीट हो गया था, तो लेकिन मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है,
पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया है। देखती हूँ अभी, वो भी करती हूँ सारे प्रोसेस। मैं देखो इतना बिजी हूँ कि मैं ये सब भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप सच में बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तो आप हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहिए। और जैसे अल्तमश हमेशा कहता है कि क्या अल्तमश, कितने सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो? 1 लाख, उसके बाद पूरे 2 लाख और 100 लाख तक कर ही देना, फिर फेमस। ओ बल्ले बल्ले। तो ये सब आपकी वजह से हुआ है, बिकॉज सिंगापुर मलेशिया जाने के बाद ऐसा हो गया था कि मैं 10 डेज तक कुछ भी शेयर नहीं कर पाई थी, स्टॉप हो गया था चैनल। लेकिन अगर उन डेज को भी हम इंक्लूड कर लें तो 1 मंथ से पहले ये सब मैंने कंप्लीट कर लिया है, जो काफ़ी बड़ी बात है। और ये सब मेरे सोने रब दा करम और सिर्फ आप लोगों की दुआएं और आप सभी का प्यार है। दैट्स इट। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ जब लकी आ जाते हैं। सो अभी हो रहे हैं 1:30 और मैं और अल्तमश आए हैं गेट पर, आप देख सकते हैं। और बंदा अब आया है घर पर, ये देखो कार आई है बंदे की। आपके साथ लोगे क्या? मुझे बताना इतनी रात में आना सही है कि गलत है। ठीक है, तो ये बंदा इतनी रात में आ रहा है घर 1:30 पे। मैं दिन भर घर से निकलता नहीं हूँ, अगर रात में काम रहते तो रात में बैठता हूँ। 1:30 AM हो रहा है अभी। इधर पकड़ लिया मेरे को घर के बाहर। घर के बाहर देखो, अभी तो मारेंगे हम। तो बताओ, ये लेट नाइट आ रहे हैं घर पे। प्रॉपर्टी की डीलिंग थी। हाँ। तो इसलिए ना, हाँ? वहाँ पे लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे। अच्छा। तो कुछ बिल्डरों के फोन आए तो मुझको मिल गए। तो आप 1:30 घर पे आओगे? तो उनको पता है भैया रात भर चलते है, रात में काम करते है रमजान महीने में। अच्छा, तो अभी बचा कितना टाइम सहरी के लिए? सिर्फ 1.5 घंटा। तो अभी मैं जागती हूँ। मैं जागता हूँ तो मैं? तुम रुकती हो, खाना बनाती हो, सहरी करती हो, तभी मैं सो जाऊंगी क्या? ना सो जाएगी। तो मेरे बेटे को अभी तक सुलाया नहीं है, वो खुद नहीं सो रहा है, वो खुद वेट कर रहा है। पिज्जा बन गया था, देख डोमिनोज को फोन किया। देखो पिज्जा, अल्तमश अभी भी कह रहा है पिज्जा और डोमिनोज और पिज्जा, इतनी लेट नाइट कैसे खुला रहेगा? बोले 11 बजे बन जाता। लाइट्स ऑफ करो। अभी आपने डोमिनोज को फोन नहीं लगाई थी? नहीं, मैंने तभी लगाई थी जो लाइट्स आपको दिखाई थी ना ऑन करके, वो अभी तक ऑन है। बंदे से ऑफ करवा रहे हैं हम। तो मैंने आपको आज एक्चुअली दिखाया कि देखो सच में इतना लेट नाइट आते हैं, इफ्तार करने के बाद जाते हैं। दैट्स व्हाई ब्लॉग में नहीं दिखते। मैं सच में बाहर नहीं रहता हूँ, घर पे रहता हूँ। झूठ बोल रही है, 24 घंटे घर पे रहता हूँ, घर से मेरा काम चलता है। ये ना आप लोग के कमेंट से बहुत डरते हैं, कल से कमेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे, जीजू नहीं जल्दी आओ इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, नहीं तो ये सच में लेट नाइट बाहर रहते हैं। काम काम काम, बहुत ज्यादा काम करते हैं, इतना ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। मम्मा ने नहीं मंगवाई, आए हैं। सो मैं भी कैमरा छड़ने वाली है, पीछे पीछे रहूंगा। अरे हुलिया बका रहे हैं मेरा। हाँ तो काम करने वाले बंदे आ ही दिखते हैं। इधर देखो एक बार ना। सो अभी मेरा अल्तू बाबा खा रहा है। अब मैं खा रही हूँ दाल राइस, लकी कुछ नहीं खा रहा है क्योंकि वो डायरेक्ट अब सहरी करेंगे। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली रात में सारा सहरी करवा के देन मैं सोई, तो मॉर्निंग में काफी ज्यादा लेट भी होती है। बेटा कोई ना और चाहिए? हेलो गाइस, अल्तू को और फ्रूट चाहिए। और कल रात में ना मैंने कुछ भी नहीं किया था, मतलब हम लंच किया, बाद में वीडियोस देखते रही, कुछ मतलब काम था एडिटिंग का वो करती रही, और उसके बाद मैं
मेरी मौसम्बी लाके दे दो जल्दी से। उसके बाद बैठी रही, काम करती रही और सहरी करने के बाद सो गए। तो जस्ट मैं अभी उठी हूँ और आंटी अभी सो रहे हैं। अल्तू के लिए लेकर आई हूँ, अल्तू को बड़ा पसंद है। आलो आलो जी, बताओ टीवी पे। तो उठने के बाद फिर कुछ नहीं, बैठी रही और अभी बज गए हैं 2:30। तो बस अब थोड़ी देर बाद हो जाएगा इफ्तार की तैयारी। तो देखती हूँ आज हम बना रहे हैं इडली सांभर। शेयर करूंगी ज़रूर सांभर रेसिपी, कि मैं अपना सांभर कैसे रेडी करती हूँ। तो यहाँ मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ सांभर बनाना, जिसके लिए मैंने तुअर और थोड़ी सी चने की दाल मिलाकर दाल को अच्छे से भिगा लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं छोटा साइज़ का कद्दू, पेठा और बैंगन। सभी वेजिटेबल्स को मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। आप चाहे तो और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, आपको जो पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग सारे ही वेजिटेबल्स दाल में मिक्स कर सकते। अब मैंने यहाँ दो बड़े साइज़ के टमाटो कट कर लिए हैं और अब मैं इन्हें दाल और वेजिटेबल्स के साथ ही पकाते टाइम मिक्स कर दूंगी। अब मैं यहाँ पर 2 ग्लास पानी ले रही हूँ अकॉर्डिंग कि कितने वेजिटेबल है और कितनी दाल है। अब मैं यहाँ पर सारे ही स्पाइसेस ले लूँगी, लाइक टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और ये सारे ही स्पाइसेस मैं सारे ही वेजिटेबल्स और दाल में मिक्स कर दूंगी। दाल को कुक करते टाइम ही मैं सॉल्ट भी उसमें ऐड कर दूंगी, बिकॉज़ मुझे जो सॉल्ट वाला टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे कुक होने के लिए गैस पर रख देंगे 5 से 7 मिनट तक के लिए। बहुत ही सिंपल वे में मैं अपना सांभर रेडी करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब हम इसे कुक करने के लिए रख देंगे। तो आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट में जो सांभर दाल है वो बन के रेडी हो गई है। अब जो इमली को हमने भिगो के रखा था वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे और अच्छे से जो स्पाइसेस है उसका एक छौंका होता है, एक तड़का होता है, वो इस दाल को लगा देंगे। सो इडली एंड सांभर यहाँ पर रेडी हो चुका है। बहुत ही सिंपल वे में मैंने इसे रेडी किया है, जो खाने में बहुत ज़्यादा यमी लगता है। हेलो, तो अभी हो गई है नाइट, बज गए हैं 10 o'clock रात के और बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं बीजेपी आ गई है और बाहर काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, तो लकी उनसे बात कर रहे हैं कि बीजेपी आ गई है उसी टॉपिक पे। सो बस अब खुशियां मनाई जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है। सो चलिए मैं आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, और आपको मिलती हूँ कल एक न्यू व्लॉग के साथ, बिकॉज कल से अब तक का व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड नाइट, बाय।